हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। सो गाइस शाम के कितने बजे हैं भाई? 8:30। सो गाइस शाम के 8:30 बजे हुए हैं और घड़ी तो नहीं है, बस अंदाजा मारा है मैंने तो। तो गाइस अभी बस यहीं पे घूम रहे हैं हम और मस्त मजे आ रहे हैं। क्यों घूम रहे हो? बाइक स्कूटी पे तेल बल रहे है भाई। भाई का तेल जल रहा है और तेल जल रहा है तेल बल रहा है। चलो भैया चलते हैं कहीं घूमने। आज फिर पार्टी पुटी करेगा सुनसान पार्टी पार्टी पार्टी। किस चीज की पार्टी ब्रो? कर दियो। चल देखते हैं गाइस क्या कुछ होता है। ओ अभी घड़ी बज रही है बहुत डाउट में रात को। हम एक्चुअली में यहाँ पे आए हैं टेल मंदिर, ठीक है? तो अंदर चलते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं बाबा जी के। जो काम हम निकलवाने वाले हैं तो क्या पता निकल जाए, आपके लिए सरप्राइज होगा। भाई लाइट देखो कितनी अच्छी आ रही है ना। हाँ भाई तो चलते हैं अंदर, लेट्स गो। अभी अंदर एंट्री लेते हुए ठीक है ऊपर चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि यहाँ पे रामलीला वगैरह हुआ करती थी और यहाँ पे कई बार जो शाखा वगैरह होती है, तो मैं यहाँ पे एक रात रुका भी हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं पीछे शमशान घाट है और शमशान घाट के साथ में एक पार्क है, तो वहाँ पे हमने वो दंड वगैरह के जो भी होती है ना एक्सरसाइज वो भी की थी। और इस जो इतना बड़ा हॉल है ना यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो इसके अंदर रुके थे तो काफ़ी मज़ा आया था। तो तब तो मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, तो अभी व्लॉगिंग करने लगा हूँ तो आपको मैंने सोचा बता ही दूँ। तो देख लो आप जो कुछ भी है गाइस, रात को देखो मंदिर कितना जगमगा रहा है, देख लो आप। गाइस मैं आने को तो सुबह भी आ सकता था यहाँ पे मंदिर में, लेकिन रात को मैं इसलिए आया हूँ बिकॉज मंदिर देखो गाइस कितना जगमगा रहा है, मतलब कितना सुंदर लग रहा है गाइस। आकर आप भी मतलब ऐसे अच्छी सी जगह पे आ सकते हो, काफ़ी मतलब माइंड शांत भी रहेगा और मज़ा भी आता है, ठीक है? गाइस ये देखो ये पीपल का पेड़, ये बहुत पुराना है गाइस बहुत। और गाइस यहाँ पे हर पूर्णिमा का यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा और हलवा वगैरह है ना वो भी बटता है, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है हर पूर्णिमा को, ठीक है? मतलब काफ़ी सिद्ध मंदिर है और अच्छा लगता है गाइस यहाँ पे आके। मैं काफ़ी बार आया हुआ हूँ लेकिन आपको फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आपने मेरे ओल्ड व्लॉग देखे होंगे, मैं यहाँ पे कभी नहीं आया हूँ। यहाँ पे मतलब व्लॉगिंग कर रहा हूँ जब से, फर्स्ट टाइम यहाँ पे अभी आया। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये मंदिर, ठीक है? और बस राहुल भाई भी वहाँ पे कुछ व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं अपनी, ठीक है? आपको दिखाई देता हूँ ये शांति पार्क, ठीक है? और थोड़ा सा आगे चलिए भाई। और अरे अरे आराम से, एंट्री गेट है ये, एंट्री गेट नहीं है भाई, यहाँ से होता है शमशान घाट।
भाई अपने को भी आना पड़ेगा। अरे भाई तू रहने दे यार, जी लेने दे थोड़ा। तो भाई फिर से अंधेरी रात में सुनसान जगह पे घूम रहे हैं। अपनी जेब अब ढीली कर लो, ढीली और दिखाओ सामने का। ये भाई फोन बच गया गाइस, मेरा फोन बच गया भाई। क्या कर रहे हो यार ऐसे? सॉरी। चलो गाइस कुछ खाने चलते हैं। बस जो मुंह में आए बोलता रहता, ये खाएंगे वो खाएंगे, घर पे जाके भाई खाएंगे कुछ ना कुछ, जरूर खाएंगे। हो गई लड़ाई। ये लड़ाई ऐसी कुछ खास नहीं है भाई, वो बिहारी बिहारी। सॉरी अगर कोई बिहारी देख रहा है तो उसका गलत नहीं, बस ऐसा ही एंजॉय। ये गलत बात है भाई, अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एंजॉयमेंट। सॉरी। एक दिन राहुल भाई इसमें जरूर बैठेंगे, है ना भाई, है ना भाई। जब हम खा रहे हैं बर्गर यहाँ पे चाइना टाउन पे रुक के। कौन खा रहा है? खुआ रहा हूँ भाई, इसके पास कुछ नहीं है भाई, खिला रहा है। ये भाई बोल रहे हैं कि बनाने वाला मैं हूँ, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो तुम खाओगे कैसे? भैया अगर आपका फेस थोड़ा सा रिवील करना है यहाँ पे, ये भाई है। के अंदर ही अपनी दुकान फिट कर रखी है, काफी अच्छा लगा ये देख के। ना भाई दे दे। गाइस अपनी सॉफ्टी भी आ चुकी है। ये लो राहुल भाई, ज्ञान बाद में दे दियो। ये ले। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस मजा ही आ गया बाहर घूमकर, और बाकी अभी घर वालों से डांट खानी बाकी है, तो मतलब काफी टाइम हो गया घूमते हुए। तो बस अभी मैं एडिटिंग वगैरह करूंगा और घर वालों की डांट सुनूंगा। तो खाना वगैरह तो भाई मैं खाऊंगा नहीं अभी, बिकॉज पेट फुल है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो बस यही था। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, के लिए बाय।